नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल हिंदी सक्सेस पॉइंट बाय रंजना मैम में स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था समसूत्री विभाजन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन और उसकी जो इंटरफेस स्टेज थी, जो अंतरावस्था थी, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हो जिसमें हमने कई सारी स्टेजेस को दर्शाया हुआ है, कई सारी अवस्थाएँ दर्शाई हुई हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हो इंटरफेस, जिसको कि हम पूरी तरह पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोस में भी, पूरा डिटेल में उसे हम देख चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद अर्ली प्रोफेस, मिडिल प्रोफेस, लेट प्रोफेस। तो ये है हमारी प्रोफेस अवस्था की तीन, अर्ली, मिडिल और लेट। देन हमारी मेटाफेज, अर्ली एनाफेज, फिर लेट एनाफेज और अर्ली टीलोफेज और लेट टीलोफेज। और उसके बाद है ये हमारे कोशिका द्रव्य का जो विभाजन है हमारा, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस है। तो ये जो जंतु कोशिका में हमने समसूत्री विभाजन की कई अवस्थाओं को दर्शाया हुआ है, तो इन्हीं अवस्थाओं को हम एक एक पॉइंट करके पढ़ते जाते हैं। किस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हो कि गुणसूत्र कंडेंस हुए, यहाँ पर पहले पतले पतले उसके रूप में धागे के रूप में थे, फिर देन यहाँ पर संघनित हुए, छोटे और मोटे हो गए हैं, और यहाँ पर क्या हो गया, स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू हो गया है, अर्थात स्पिंडल का निर्माण शुरू हो गया है, और साथ में इससे एस्टर्स भी निकल रहे हैं। एस्टर्स ये जो आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से तंतु जो निकल रहे हैं, एस्टर्स। और यहाँ आप क्या देख रहे हो कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस वाली अवस्था में मिडिल मेटाफेज में हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगी है, और जो स्पिंडल्स हैं ये दूसरे पोल्स पर जाना प्रारंभ हो गए हैं, और लेट प्रोफेस में ये क्या हुए हैं, दूसरे पोल्स पर चले गए हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारी ये अवस्थाएं हैं, इनके हमें सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यही पॉइंट्स आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि किस अवस्था में क्या या किसका फॉर्मेशन होता है। तो आइए इसे हम डिटेल में देखते हैं और साथ में इस डायग्राम के द्वारा क्लियर भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम इंटरफेस पढ़ चुके हैं उसका लास्ट वीडियोस में आप जाकर देख लीजिए यदि अभी तक आपने नहीं देखा है। तो यहाँ हम पढ़ते हैं पूर्वा अवस्था, जिसे हम कहते हैं बिफोर। का मतलब क्या होता है, बिफोर, और फेजेस का मतलब होता है स्टेज। तो इसमें क्या होता है कि इसमें केंद्रक के विभाजन की जो ये प्रारंभिक अवस्था है, यहाँ से क्या होता है, केंद्रक न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है। यह कोशिका विभाजन की, समसूत्री कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था मानी जाती है। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है। तो सबसे लंबी अवस्था हमारी कौन सी है, प्रोफेज हमारी सबसे लंबी अवस्था है। अभी हमने डायग्राम में देखा कि अध्ययन की सुविधा के लिए इसे हमने तीन भागों में बांटा हुआ है, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज और लेट प्रोफेज। तो स्टार्टिंग में जो हो रही है, फिर हमारे मिडिल में हो रही है, मध्य में, और देन हमारी अंत में हो रही है। तो जब इसमें हम निम्नलिखित परिवर्तन को देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो केंद्रक है वो बड़ा एवं कैसा हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। केंद्रक जो कि अभी तक छोटा था कैसा हो गया, बड़ा हो गया। साइटोप्लाज्म बहुत पास आ जाता है, कंडेंस हो जाता है, और बिस्कस इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है, अर्थात श्यानता वाली इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है, श्यानता वाली इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है। तो दो परतों के बीच जो घर्षण बल लगता है हमारा, फ्रिक्शन फोर्स लगता है किसी भी लिक्विड में, जैसे कि हमारी पानी की दो परतें हैं ये तो इनके बीच में जो हमारा घर्षण बल लगता है उसे हम कहते हैं श्यान या विस्कस। तो ये जो साइटोप्लाज्म है कैसा हो जाता है, सघन हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, और कैसा हो जाता है, विस्कस, अर्थात इसकी परतें और पास पास हो जाती हैं। श्यान का मतलब गाढ़ेपन से आप ले सकते हो, जैसे कि हमारा जैसे चाशनी होती है हमारी, तो पतली और गाढ़ी होती है, तो पहले वो पतली होती है तो उसमें श्यानता क्या है, कम है, जब वो गाढ़ी हो जाती है तो उसकी श्यानता क्या हो गई, बढ़ गई। तो गाढ़ेपन की ही माप हमारी क्या कहलाती है, श्यान कहलाती है। इसमें जो क्रोमेटिन धागे होते हैं वो भी अब कंडेंस होना प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात वो भी क्या हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, और किसका निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो ये जो अभी जाले के समान, धागे के समान जो क्रोमेटिन संरचनाएं थी, अब उन्होंने किसका निर्माण कर लिया है, क्रोमोसोम का निर्माण कर लिया है। पहले
क्रोमोसोम जो होते हैं पतले और लंबे होते हैं, और बाद में ये क्या हो जाते हैं और छोटे और मोटे हो जाते हैं। इनके मोटे होने से दो अर्ध गुणसूत्रों के बने दिखाई देते हैं, ये इस प्रकार से बने दिखाई देते हैं। तो क्रोमोसोम इस प्रकार से दो उसके बने दिखाई देते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, दोनों क्रोमेटेड्स को हम कहते हैं इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एक क्रोमेटेड और ये हमारा दूसरा क्रोमेटेड, और ये जिसके द्वारा यहाँ पर जुड़े होते हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर ये जो प्रोफेज अवस्था है इसमें हमारा क्या हुआ प्रारंभ, केंद्रक हमारा बड़ा हो गया, क्योंकि अब इसको क्या होना है, डिसअपियर होना है, ये गायब हो जाएगा बाद में जाके। और इसमें जो क्रोमोसोम थे जो इस तरीके से धागे नुमा रचना के रूप में क्रोमेटिन के रूप में पड़े हुए थे, अभी कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं, और कैसे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और ये इस प्रकार से दो अलग अलग भागों में दिखाई देने लगते हैं जिन्हें हम क्रोमेटेट्स कहते हैं, और बीच में जिस रचना के द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं। तो ये सेंट्रोमियर है जो क्रोमोसोम के बीच में उपस्थित होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल में बढ़ जाता है। तो सेंट्रोसोम जो होता है और ये कहाँ चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। तो ये जो सेंट्रियोल है जो कि अभी हमने इस तरीके से देखा हुआ था, ये जब जंतु कोशिका में हम इनकी बात करते हैं तो ये भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और एक इस वाले ध्रुव पर, जैसे कि हमने ये कोशिका ली हुई है और इसमें हमारा एक इस पोल पर चला जाता है और एक इस पोल पर हमारा चला जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों सेंट्रियोल के बीच स्पिंडल एकत्रित होने लगते हैं तथा स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। अब ये जो हमारा सेंट्रोसोम था ये किसमें हमारा दो सेंट्रियोल में बट गया, और ये दो विपरीत दिशा में जाने लगते हैं, जिसके कारण कि इनके बीच किसका निर्माण होने लगता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। प्लांट सेल की यदि हम बात करें तो इसमें सेंट्रोसोम तथा सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, ना तो इसमें सेंट्रोसोम होता है और ना ही इसमें सेंट्रियोल होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी रचना है जो कि प्लांट सेल में उपस्थित नहीं होती, तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल ये दोनों ही प्लांट सेल में उपस्थित नहीं होती, फिर भी दोनों पोल्स पर इनमें स्पिंडल निर्माण हो जाता है, ये अनुपस्थित होते हुए भी स्पिंडल का निर्माण हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली और न्यूक्लियोलस ये धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं, और क्रोमोसोम सेल के मध्य रेखा की ओर ये गति करने लगते हैं। तो आइए इस चीज़ को हम अब डायग्राम में देखते हैं। जब हम यहाँ पर अर्ली प्रोफेज अवस्था देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जो हमारा क्रोम केंद्रक था ये साइज में हमारा बड़ा होने लगता है। जो क्रोमोसोम इस प्रकार से पतले धागे नुमा पड़े हुए थे ये क्या होने लगे, अब यहाँ पर कंडेंस होने लगे, और जो सेंट्रोमियर था ये और जो क्या होता है दो भागों में बढ़ जाता है, और ये स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यहाँ से जो रेज निकल रही हैं ये क्या कहलाती हैं, एस्टर्स कहलाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर आप देख रहे हो डॉट डॉट के द्वारा दर्शाया गया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, ये इस प्रकार से जो दर्शाया गया है, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होने लगती है, डिसअपियर होने लगती है, मतलब धीरे धीरे ये लुप्त होने लगती है यहाँ पर, और ये जो स्पिंडल फॉर्मेशन होते हैं ये दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। लेट प्रोफेज में ये दोनों ध्रुवों पर पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर ये केंद्रिका जो न्यूक्लियोलस जिसे कहते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों क्या हो जाती हैं, हमारी लुप्त हो जाती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटाफेज अवस्था। तो मेटाफेज में हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एवं न्यूक्लियोलस पूरी तरह लुप्त हो चुकी होती है, उसमें हमारी धीरे धीरे लुप्त हो रही थी और यहाँ पर क्या हो गई, पूरी तरह डिसअपियर हो गई। दोनों ध्रुवों से निकलने वाले तंतु आपस में जुड़ने लगते हैं, दोनों पोल्स के, जैसे यहाँ पर जो तंतु हमारे निकले, जैसे कोशिका के यहाँ तंतु और यहाँ से, इधर से तंतु निकल रहे थे और हमारे इधर से निकल रहे थे, तो दोनों से तंतु से निकलने वाले ये क्या होते हैं, आपस में जो ये फाइबर्स होते हैं ये जुड़ने लगते हैं। मध्य रेखा से ऊपर दोनों ध्रुवों पर समस्त तंतु आपस में जुड़े होते हैं, मध्य रेखा पर यहाँ पर ये अलग अलग होते हैं, जबकि उसके दोनों ओर क्या होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं।
एनिमल सेल्स में पोल्स पर एस्ट्रल रेस का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये जो रेस निकलती हैं तो ये एस्ट्रल रेस का निर्माण होता है। ये जो तंतु होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, अखंडित तंतु कंटिन्यूस स्पिंडल होते हैं और डिसकंटिन्यूस स्पिंडल होते हैं। तो ये जो किनारे के जो तंतु होते हैं ये दोनों पोल्स के बीच लगातार फैले रहते हैं। तो ये कैसे हैं, लगातार फैले हुए हैं तो कंटिन्यूस है। और मध्य रेखा पर जो होते हैं तो ये सेंट्रोमियर से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, दोनों ध्रुवों के बीच ये अखंडित रूप में नहीं फैले रहते हैं, मतलब कंटिन्यूस नहीं फैले होते हैं। और ये जो तर्कु होते हैं, स्पिंडल जो होते हैं, वो किस प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखना कि जो स्पिंडल होते हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। सभी क्रोमोसोम मध्य रेखा पर पूर्ण रूप से सज जाते हैं, मतलब वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। इन जो क्रोमोसोम की जो भुजाएं हैं वो ध्रुवों की ओर होती हैं और तथा इनका जो सेंट्रोमियर होता है वो मध्य रेखा की तरफ होता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखना कि इनका जो क्रोमोसोम की जो आर्म्स होती हैं वो किधर होती हैं, ध्रुवों की तरफ होती हैं और मध्य रेखा की ओर इनका सेंट्रोमियर होता है। दो स्पष्ट क्रोमेटिड दिखाई देने लगते हैं। अब यहाँ पर क्या दिखाई देने लगे, आपको दो अलग से स्पष्ट क्रोमेटिड दिखाई देने लगे। आकार में यह अवस्था सबसे छोटी अवस्था होती है। तो समसूत्री विभाजन में ये अवस्था हमारी क्या होती है, सबसे छोटी अवस्था। यहाँ आप देख भी रहे हो कि प्रोफेज मिटिल प्रोफेज अवस्था को हमने तीन भागों में बांटा हुआ है, एनाफेज को भी हमने दो भागों में बांटा हुआ है, टीलोफेज को भी हमने दो भागों में बांटा हुआ है, लेकिन एनाफेज हमारी सिर्फ एक अवस्था में है। तो यहाँ पर आप इसे डीप में देखिए कि जो स्पिंडल हमारे फॉर्मेशन हुए थे दोनों ध्रुवों पर, तो इनके साइड से ये जो रेज हमारी निकल रही हैं ये तो क्या है, जुड़ी हुई हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर। जबकि ये जो बीच वाली रेज यहाँ पर ये आप देख रहे हो इस तरीके से, ये क्या है, ये सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़ी हुई हैं, अदरवाइज़ ये जुड़ी हुई नहीं है, अलग अलग हैं। तो इन्हें हम कहते हैं खंडित, मतलब ये बीच में ब्रेक हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि इनकी जो आर्म्स हैं इस तरीके से, जो आर्म्स हैं वो किधर हैं, ध्रुवों की ओर हैं, और इनका जो सेंट्रोमियर है ये कहाँ पर है, मध्य रेखा की ओर है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेटाफेज अवस्था में, एक तो हमारा यहाँ पर आपको न्यूक्लियस पूरी तरह डिसअपियर दिख रहा है और न्यूक्लोलस भी दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि यहाँ लेट प्रोफेज में देखिए आपको थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। तो पहला पॉइंट हमारा मेटाफेज अवस्था में न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों हमारे डिसअपियर हो जाते हैं, स्पिंडल दोनों पोल्स पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर अखंडित तंतु और खंडित तंतु हमारे उपस्थित होते हैं। अखंडित जो कंटिन्यूस होते हैं वो हमारे साइड में उपस्थित होते हैं और खंडित वाले हमारे का बीच में उपस्थित होते हैं। इसमें हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी भुजाएं हमारे पोल्स की तरफ होती हैं और सेंट्रोमियर हमारा मध्य रेखा की ओर उपस्थित होता है। नेक्स्ट हम इसके बाद देखते हैं एनाफेज अवस्था। इसमें दो क्रोमेटिड्स पूरी तरह अलग हो जाते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम के दोनों सिरे सिस्टर क्रोमेटिड विपरीत पोल्स पर चले जाते हैं और अंत में क्रोमोसोम के समूह दोनों पोल्स पर चले जाते हैं। क्रोमोसोम की संख्या क्या रहती है, इनमें मदर सेल के समान ही रहते हैं। अब क्या हुए, दोनों जो समान जो क्रोमेटिड्स थे ये विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। नेशम टीलो का मतलब होता है यहाँ पर एंड, टीलो का मतलब क्या होता है, एंड। इसमें क्रोमोसोम पूर्ण रूप से पूरी तरह से पोल्स पर अब पहुँच चुके हैं। प्रोफेज के विपरीत प्रक्रियाएं इसमें होती हैं, जो हमने स्टार्टिंग में प्रोफेज अवस्था पढ़ी थी अब उसके अंगेस्ट यहाँ पर प्रक्रिया होने लगती थी। उसमें हमारे क्रोमोसोम कैसे हो रहे थे, छोटे और मोटे हो रहे थे, इसमें लंबे और पतले होने लगे और ये फिर से किस में कन्वर्ट हो गए, क्रोमेटिन जालिका में ये बदल जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का फिर से निर्माण होने लगता है, सेंट्रोसोम का निर्माण होने लगता है, जो तर्कु उपकरण था वो समाप्त हो गया और विभाजित हो रही सेल के दोनों पोल्स पर एक एक न्यूक्लियस बनना प्रारंभ हो जाता है। तो टीलोफेज में आप देखिए कि जो आपकी इंटरफेज विश्राम अवस्था में जो कंडीशन थी वो फिर से उसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो बहुत इजीली आप इन पॉइंट्स को समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा केंद्रक का विभाजन। तो इस केंद्रक के विभाजन में आपके क्या हुआ, दो न्यूक्लियस बन गए, क्रोमोसोम जो थे दो अलग अलग उसमें पहुंच गए थे। अब यहाँ पर क्या होगा,
साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य का यहाँ विभाजन होगा। और ये किसके द्वारा होता है? क्लीवेज विधि के द्वारा। जैसे कि यहाँ पर हमने एक कोशिका ली, तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से धीरे धीरे खांच जैसी बनने शुरू हो जाती है और इसी खांच को हम कहते हैं क्लीवेज। तो इसमें ये कोशिका मध्य से क्या होने लगती है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है और एक खांच का निर्माण होता है जो कि धीरे धीरे गहरी हो जाती है और फिर ये क्या होता है, दो कोशिकाओं में हमारी बढ़ जाती है। ये था हमारा साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में ये किसके द्वारा होता है, खांच के द्वारा, क्लीवेज विधि के द्वारा होता है। जबकि प्लांट्स में ये जो होता है, तो सेल वॉल होने के कारण, चूंकि जो कोशिका हमने पढ़ा था तो कोशिका के चारों तरफ क्या होती है, सेल वॉल उपस्थित होती है, तो जिसके द्वारा कि इसमें खांच का निर्माण नहीं हो सकता, तो इसके मध्य एक पहले ही क्या होती है, सेल प्लेट बन जाती है। और इस सेल प्लेट के कारण क्या होती है, जो गॉल्गी बॉडी के आशयों तथा ईआर की रचनाओं के इकट्ठा होने से ये होती है। जैसे ये हमारी कोशिका है, इस तरीके से हमने कोशिका ली, तो यहाँ बीच में एक सेल प्लेट का निर्माण हो जाएगा। और ये सेल प्लेट का निर्माण किसके द्वारा, गॉल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक के जो बेसिकल्स होते हैं, जो आशय होते हैं, उनके इकट्ठा होने से ये इसका सेल प्लेट का निर्माण होता है। जैसे कि हम डायग्राम में इसको देखें कि ये आप देख रहे हो कि धीरे धीरे यहाँ पर साइटोप्लाज्म क्या हुआ, जैसे कि हमारी लेट अर्ली इनोफेज में और लेट टीलोफेज में यहाँ पर साथ साथ हो रहा है। देखिए यहाँ पर स्पिंडल फॉर्मर डिसअपियर हो रहे हैं, धीरे धीरे स्पिंडल तरकु भी हमारे डिसअपियर हो रहे हैं। दो हमारे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का प्रारंभ हो गया, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हमारी बननी प्रारंभ हो गई है। और अब यहाँ पर साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस के द्वारा इसमें किसका निर्माण हो रहा है, खांच बन रही है। और खांच बनने के साथ साथ फिर क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर हमारे डिसअपियर हो गए और फिर से एक जो कोशिका है उसके द्वारा कितनी कोशिका का निर्माण हो गया, दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। तो दो डॉटर सेल्स हमारी ये इस प्रकार से बन जाती हैं। तो यहाँ भी आप इस प्रकार से भी देख सकते हो कि जंतु कोशिका में कोशिकीय खांच के द्वारा ये हो रहा है, हमारा साइटोकाइनोसिस हो रहा है। इस प्रकार से दो भागों में ये बट गया है। और जो पादप कोशिका में है, इस प्रकार से ये बीच में एक पट्टी का निर्माण हो जाता है और इसके द्वारा दो हमारी कोशिकाएं बन जाती हैं। तो ये आप डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हो इसमें कि किस प्रकार से जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में एक कोशिका से हमारी दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि समसूत्री विभाजन माइटोसिस का इम्पोर्टेंस क्या है। तो यह जीवों के शरीर का निर्माण करती है, इसी के कारण क्या होता है, शरीर की कोशिकाओं में वृद्धि एवं विकास होता है। ये आनुवांशिक रूप से विशिष्टता बनाए रखते हैं, अर्थात जो आनुवांशिक रूप से जो कोशिका है वही अगले जो डॉटर सेल्स हैं उनमें भी वही आनुवांशिकता बनी रहती है। जब कोई घाव वगैरह हो जाता है तो वहाँ की सेल्स क्या होती हैं, समसूत्री विभाजन के द्वारा डिवाइड होने लगती हैं और ये घाव भरने में सहायक होती हैं। हमें पता है कि RBC और WBC इनका टाइम पीरियड फिक्स रहता है और कुछ टाइम बाद ये नष्ट हो जाती है। जैसे RBC का जो जीवन काल है वो कितने दिन है, 120 दिन हमारा होता है। तो 120 दिन बाद ये कोशिका मर जाती हैं। तो नई नई कोशिकाओं का, RBC की नई नई सेल्स का निर्माण किस विधि के द्वारा होता रहता है, माइटोसिस के द्वारा इनका निर्माण हो सकता है। इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो पेरेंट सेल अर्थात जनक सेल के ही समान होती है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों में अंतर नहीं आता। अनियंत्रित माइटोसिस द्वारा जीवों में कैंसर होता है, ये इसका महत्व नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट बताया गया है कि जीवों में कैंसर किस प्रकार होता है। अभी जो कोशिका हमारे कंट्रोल में डिवाइड हो रही थी, एक से दो बनी, दो से फिर हमारी चार बन गई, अगर यहाँ पर इस सेल पर कंट्रोल नहीं रहेगा तो एक से हमारी हो सकता है 10 बन जाए, कई सारी बन जाए। तो जब सेल पर ये कंट्रोल नहीं होता, माइटोसिस का डिवीजन में कंट्रोल नहीं होता, तब कई सारी एक कोशिका से क्या बन जाती है, कई सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। और यही जीवों में कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैंसर का जो जीन है उसका नाम है ओंको जीन। इस जीन का नाम आप याद रखिएगा, ओंको जीन। और कैंसर की अध्ययन को हम कहते हैं ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी हम किसके अध्ययन को कहते हैं, कैंसर के अध्ययन को कहते हैं। और इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो है ओंको जीन। किसी भी कारण से यदि किसी कोशिका के जीन में
चीन जा गया और सेल्स हमारी बार बार डिवाइड होती जा रही है, अनकंट्रोल्ड डिवाइड हो रही है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कैंसर। तो ये था हमारा समसूत्री विभाजन के बारे में वीडियो, में भी आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे वो इससे भरपूर अपने जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उससे वो इससे प्रॉफिट ले सकें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।